ईच ऑफ, ईदर ऑफ, इन सब के साथ क्या लगता है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर गौरी भट्ट। आज आप लोगों के लिए एक और ग्रामर की ट्रिक लेकर के मैं आप सभी के सामने आ चुकी हूँ। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये रूल है कि ईच ऑफ के साथ, ईदर ऑफ के साथ, नीदर ऑफ के साथ, एवरी ऑफ के साथ क्या लगता है। कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं। आप लोगों को कई बार कहा जाता है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, नन, वन, ये सभी वर्ड्स आपके डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलैरिटी लगती है, हम हमेशा यही बात बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ईच स्टूडेंट, ईदर स्टूडेंट, राइट। लेकिन अगर इनके साथ ऑफ लग जाता है तब क्या होता है? ईच के साथ अगर ऑफ लगता है तो इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। अब चाहे आप ईच ऑफ यूज़ करें, चाहे आप एवरी ऑफ यूज़ करें, चाहे आप ईदर ऑफ यूज़ करें, चाहे आप नीदर ऑफ यूज़ करें, या फिर आप एनी वन, या फिर एनी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इनमें से किसी भी वर्ड के साथ अगर आप ऑफ लगाते हैं तो इनके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को आप हमेशा प्लूरल फॉर्म में जनरेट करेंगे। प्लस इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगती है, हमेशा याद रखिएगा। चाहे इनके साथ नाउन प्लूरल आए या सिंगुलर आए, लेकिन इनके साथ वर्ब जो होगी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हमेशा सिंगुलर लगेगी। और इनके साथ प्रोनाउन के पजेसिव केस भी हमेशा सिंगुलर ही लगते हैं, कभी भी इनके साथ प्लूरल नहीं लगाए जाते हैं। बस अगर इनके साथ ऑफ लगा है तो नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा, और अगर इनके साथ ऑफ नहीं लगा है तो नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होगा। ऐसी ही ग्रामर की कुछ धमाके ट्रिक को जानने के लिए मेरे साथ हमेशा जुड़िए वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल सेशन में। थैंक यू।